नाइक ने आयुक्त से चर्चा के बाद दिलाया भरोसा, दीघाकरों को दिलाएंगे पानी, बेलापुर वासियों को दिलाएंगे नुकसान भरपाई। पूर्व मंत्री मैरोली के भाजपा विधायक गणेश नाइक ने आज मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर से मुलाकात के बाद दीघाकरों को पानी की किल्लत से निजात दिलाने का भरोसा दिलाया। उन्होंने नियमित जलापूर्ति कराने, दीघा में वाटर टैंक बनाने और सप्लाई सिस्टम सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। प्राइवेट हॉस्पिटलों में कोरोना इंजेक्शन उपलब्ध कराने पर जोर देते हुए गणेश नाइक ने कहा कि इंतजाम ऐसा होना चाहिए जिससे परिजनों को इंजेक्शन के लिए बाहर न दौड़ना पड़े। वहीं भारी बारिश के कारण बेलापुर में हुए जल जमाव और नुकसान का मुद्दा उठाते हुए पूर्व मंत्री ने होल्डिंग पॉइंट की सफाई कराने और 2 से अधिक सक्शन पंप क्रियान्वित करने पर भी बल दिया। उन्होंने डॉक्टर जयाजी नाथ की मांग को आगे बढ़ाते हुए कहा कि जल जमाव से जिन लोगों का नुकसान हुआ है उन्हें भरपाई मिलनी ही चाहिए। मार्च से कोविड का जो एक संक्रमण हुआ तो सब लोगों का फोकस कोविड के रहा। हमने हर मीटिंग में मैंने बोला कि भाई प्री मानसून के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। दुर्भाग्यवश ये चीज पे ध्यान नहीं दिया गया। जो पंप है, जो हाई टाइड के टाइम में जो बाहर से बंद होने वाले जो गेट्स है उसकी मरम्मत नहीं की गई। जो हाई टाइड नहीं है लेकिन यहाँ पे कुछ हेवी मानसून होने के बाद में यहाँ से जो पानी बाहर निकलने के टाइम में जो गेट है वो नहीं खुले, ऐसी डॉक्टर नाथ की मैंने ऑब्जर्वेशन है। हमने बोला कि भाई हर मानसून के पहले ये सब यंत्रणा रिन्यू, मैंने उसका एक सर्विस अपने से गाड़ी की करते हैं उसी ढंग से उसका सर्विस करने की ज़रूरत है और आगे चल के वो करेंगे ऐसा उन्होंने वादा किया। दीघा के लिए स्पेशल जो टेंडर निकालने के लिए हम लोगों ने बोला है कि जल्दी टेंडर निकालो और उसका टेंडर खाली निकाल के नहीं उसकी वर्क ऑर्डर सही टाइम पे दो, काम पूरा करो और लोगों को प्यास जो उनकी बुझ नहीं रही हो प्यास बुझाने का काम करो, बोला है। ऐसी स्थिति में बाढ़ आ गई, कभी सुनामी के कारण, कभी हेवी मानसून के कारण जो लोगों को तकलीफ है, आज तक जो रवैया रहा है वो सिस्टम के लिए हम लोग अग्रह धरने वाले हैं। वो लोगों को न्याय मिले ऐसी हमारी पक्की इच्छा रहे। अभी इसमें जो सफाई कर्मचारी लोग हैं वो लोगों को मुकादम की उधर कोई जो टेंडर निकलता था उसमें मुकादम का कोई प्रोविजन नहीं था। मुझे वो सफाई कामगार लोगों ने निवेदन दिया, आयुक्त महोदय से हमने कहा है कि टेंडर निकलेगा, वो टेंडर में सफाई कामगार के साथ में सुपरवाइजर या मुकादम ये नाम भी यानी उसका डिजिग्नेशन उसकी होनी चाहिए और आने वाले टेंडर में वो हो जाएगी ऐसा उन्होंने कहा है। गेली 18 वर्षापासून हे पाणी भरायला चालू झालं आणि पहिले हे जे का पाणी भरतं आहे याचा मूळ शोधून काढला होल्डिंग पॉइंट, तर होल्डिंग पॉइंटची साफसफाई होणं त्याचबरोबर गटारींची साफसफाई होणं, त्या काळात गटारी दगडी होत्या आणि ते RCC करा त्या केल्या, परंतु जे पुढं पाणी जायला पाहिजे होल्डिंग पॉइंटला पाणी जायला पाहिजे ते जात नाही न केल्यामुळं, कारण होल्डिंग पॉइंटमध्ये 18-18 फुटाचे मॅंग्रोव्ज वाढले, त्यावेळेला छोटे छोटे होते मॅंग्रोव्ज, आज मोठे झाले, आज त्याला शिफ्ट करता येत नाही, काढता येत नाही आणि गाळ आहे तसा आहे। जे शिडकोनं मॅन मेड आहे होल्डिंग पॉइंट्स बनवले, का बनवले की नॅशनल रिव्हरच्या धर्तीवर नेदरलँडमध्ये ज्या पद्धतीने झालं त्याच पद्धतीने हे करण्याचा प्रयत्न केला। या ठिकाणी आज ते होल्डिंग पॉइंटची साफसफाई न झाल्यामुळं वारंवार माझ्या प्रभागातच हे पाणी भरतं, कारण माझा प्रभाग हा सर्वात सकल अख्ख्या निवंबेत समुद्र सपाटीपासून खाली असल्यामुळं 26 जुलैला जी पद्धत झाली त्याच पद्धतीनं आजचं हे प्रतिसप्पे 26 जुलै म्हणायला काही हरकत नाही, कारण 15 वर्षानंतर पुन्हा ही पुनरावृत्ती झालेली आहे आणि ही वारंवार होताना राहणार आहे, कारण पर्यावरण संतुलन नाही आहे, अनेक गोष्टी असल्यामुळं हे होतच राहणार आहे। त्यासाठी मॅंग्रोवची साफसफाई त्या ठिकाणी करणं, कोर्टाकडून परमिशन घेणं आणि त्या मॅंग्रोवला शिफ्ट करणं आणि गाळ काढून त्या होल्डिंग पॉइंटची पुनर्बांधणी करून जो पण करत नाहीत आणि त्यातलं पंपिंग स्टेशनकडे पाणी जाणार नाही, त्याचबरोबर जेव्हा पाणी भरतं पंपिंग स्टेशनमध्ये लाईट जाते, लाईट गेल्या की ते पाण्याचे पंप चालू होत नाहीत, कारण एकच पंप जनरेटर आहे, जर तिथं 5-6 जर जनरेटर आहेत तर तुम्ही 4 तर तुम्ही चालू करा,
तुम्ही एक जनरेटरला एक पंप जर जनरेटर दिला एक पंपाला तर तो पाणी खेचणार किती? जर आज एवढं पाणी होतं आणि जर होल्डिंग पॉट असता तर यातलं 75% पाणी त्यात थांबलं असतं आणि 25% खेचत खेचत ते कमी झालं असतं. आज आर्थिक नुकसान जे झालेलं माझ्या प्रभागातल्या सर्व नागरिकांचं त्याची नुकसान भरपाई 26 जुलैप्रमाणे द्यावी अशी मी आयुक्तांना ऑफिशियली पत्र पण दिलेलं आहे. पत्र देऊन त्याचा पाठपुरावा करण्यासाठी आम्ही आता रेग्युलर लागू त्यांनी पंचनामा करावा त्यांनी त्या अनुषंगानं सगळ्या गोष्टी केल्या पाहिजेत. बता दें कि गणेश नाईक ने बीते हफ्ते बेतहाशा बिजली बिल भेजने के खिलाफ आंदोलन किया था. उसमें रियायत देने की मांग पर क्या कार्यवाही हुई इस पर बताया कि फिलहाल विद्युत विभाग ने किसी भी व्यक्ति का बिजली कनेक्शन नहीं काटा है और अगर बिल नहीं भरने पर यह मनमानी की गई तो तीव्र आंदोलन करेंगे. वहीं स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वसूले जाने पर गणेश नाईक ने तीखी टिप्पणी की. पूर्व मंत्री ने कहा कि स्कूलों को सख्त गाइडलाइन की जरूरत है, उन्हें बच्चों के हित में फीस वसूली में रियायत देनी चाहिए. हाँ, वितरण के यहाँ हम लोगों ने जब शिष्टमंडल के साथ हम गए थे उनको हम लोगों ने निवेदन दिया था. उस वक्त में मैंने बोला था कि भाई बिजली का जो बिल बढ़ा है हर महीने में यदि आप रीडिंग करते तो 100 का स्लैब का बिल आता था, कई को 200 का आता था. तीन तीन चार चार महीना आप लोगों ने उसका रीडिंग न लेने के कारण 100 का गया, 300 का गया, 500 का गया और हेवी रेट से लोगों को बिल आ गया और उसमें और बढ़त हो गई. फिर उस टाइम मैंने कहा था कि एक भी नागरिक का इलेक्ट्रिक का कनेक्शन डिस्कनेक्ट करेंगे तो हम लोग रास्ते पे उतरेंगे. आज तक मेरे पास में किसी भी नागरिक का इलेक्ट्रिक का कनेक्शन डिस्कनेक्ट करने की कोई शिकायत आई नहीं है. जब तक वो नहीं आती है तब तक हम लोग आंदोलन करने वाले नहीं है. लेकिन हम उम्मीद लेके बैठे सरकार ने बिल का जो इलेक्ट्रिक का बिल रेट बढ़ाया वो कम करे और इस कालखंड में लोगों को जो स्लैब कट होने के कारण जो हेवी बिल आया है उसमें कटौती करे और हो सके तो गवर्नमेंट ने कोविड के कालखंड का बिल इलेक्ट्रिक का बिल ही माफ करे ऐसी भूमिका लेनी चाहिए ऐसा हमारा कहना है. एजुकेशन के बारे में प्राइवेट स्कूल के लोग हाईकोर्ट में गए, माननीय न्यायालय ने उनको कोई तसल्ली दी है, फिर भी हम लोग हमारे पर्सनल रिलेशन को लेते हुए हम लोग वो संस्थाओं को बोलने वाले कि भाई आज की तारीख में लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है. आप लोग ये जब तक कोविड का असर है तब तक ये एजुकेशन देने का प्रयास करो, जैसा ये असर खत्म हो जाएगा लोग आपका पैसा दे देंगे, फीस दे देंगे. उसके लिए माननीय न्यायालय का सम्मान रखते हुए जो भी बात चौकट में आएगी उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं. इस अवसर पर पूर्व विधायक संदीप नाईक, महापौर जयवंत सुतार समेत तमाम पदाधिकारी भी मनपा मुख्यालय में मौजूद थे. इस दौरान विधायक गणेश नाईक को स्वच्छता कर्मचारियों ने निवेदन देकर खुद के लिए मुकादम या सुपरवाइजर पद अधिकृत करने की मांग की. इस पर गणेश नाईक ने कहा कि आयुक्त ने अगली सभी कार्यवाहियों में मुकादम या सुपरवाइजर पद का उल्लेख सुनिश्चित करने का भरोसा दिलाया है. इस पर कामगारों ने भी विधायक के प्रति आभार जताया. नवी मुंबई महापालिका जब से स्थापन हुई है तब से हम लोग यहाँ पे सुपरवाइजर ये करके यहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं और अच्छी तरह कर रहे हैं. आज NMMC को यहाँ पे आपने देखा होगा जो पुरस्कार मिले हैं स्वच्छता अभियान में. हम लोग सुबह 6 बजे से रात को 8 बजे तक काम करते हैं लेकिन इसका कोई भी यहाँ पे दखल नहीं ले रहे हैं. इतना अच्छा काम करके भी और हमें आज भी कंत्राटी कामगार करके ही संबोधित यहाँ पे संबोधित हैं. तो इसीलिए हम लोग ने मतलब सब लोग ने सोचा कि कब तक ये अपमान सहन किया जाए. अगर हम लोग इतने अच्छे से यहाँ पे सेवा दे रहे हैं तो हम लोग ने भी मतलब सोचा कि दादा के पास चलते हैं बड़े साहब के यहाँ पे. तो उन्होंने हमें बोला है कि ये टेंडर में जो अभी प्रोसेस होने वाला है उसमें आपको सुपरवाइजर जो पद है वो हम लोग करके देंगे. पहली बात तो हमें जो मान हमारा है सम्मान है सुपरवाइजर पद ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है. अगर वो हमें मिलता है तो हमें कुछ भी जो सुपरवाइजर की जो वेतन रहता है जो बढ़ा हुआ वो हमें नहीं चाहिए. हमें खाली हमें सुपरवाइजर पद चाहिए बस. ब्यूरो रिपोर्ट,
टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।